राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुजवन कृषानन ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम आइए हनुमंत विराजिए भजन करूं मति अनुसार आइए हनुमंत विराजिए भजन करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार लेत सदा सुधि दीन की लेत सदा सहज कृपा के धाम जननी जनक कान्हा की श्री बालाजी हनुमान बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।
आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। एक अद्भुत शाम को तो हमारे बीच में उपस्थित है जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी। आज हम सुनेंगे, माँ के ऊपर तो सब लोगों ने लिखा है और खूब बोलते भी हैं, आज सुनेंगे कि पिता का क्या रोल होता है जीवन में। तो ये प्रवचन सुने, ये व्याख्यान सुने, उससे पहले रायपुर के प्रथम नागरिक बिलाई के प्रथम नागरिक माननीय नीरज पाल जी से अनुरोध करता हूं कि पंडित जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें, अभिनंदन करें हम सब लोगों की तरफ से। अपने सबके प्रिय है धर्मेंद्र भैया से अनुरोध करता हूं कि उनके कारण ये इस कार्यक्रम को स्वरूप मिला है, वो महाराज जी का स्वागत करें। और धर्मेंद्र भैया से अनुरोध करता हूं कि वो काना जिनके शब्द हम लोगों ने सुने हैं, क्या मधुर वाणी में भजन गाते हैं, उन सबका स्वागत धर्मेंद्र यादव जी करें। कान्हा महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। और मैं माइक धर्मेंद्र भैया को देता हूं। हमारे सामने आदरणीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं, पाठ पुस्तक निगम के अध्यक्ष। निवेदन करता हूं कि वे गुरु जी का स्वागत करें। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी से निवेदन करता हूँ गुरु जी का स्वागत करें। योगेश भैया, आदरणीय संदीप निरंकारी जी, नेहा साहू जी पार्षद, हमारे उषा श्रीवास जी पार्षद, छाया पार्षद हमारी अनिशा बघेल, आपसे निवेदन है कि गुरु जी का स्वागत करें। हमारे सबसे वरिष्ठ आदरणीय माथुरकर जी भी यहाँ पर हैं, और पंकज पाल जी से भी निवेदन है, और आनंद भैया, आनंद दीक्षित जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे बीच बशीर भैया बैठे हुए हैं खेल संघ की तरफ से, आपसे निवेदन है कि आप गुरु जी का स्वागत कर दें। अब कार्यक्रम शुरू करना है और सबसे अब जो यहाँ पर कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरे दोनों छोटे भाई नीतीश यादव इस क्षेत्र के पार्षद, वो भी स्वागत करें गुरु जी का। हमारे रॉबिन सिंह जी भी गुरु जी का स्वागत करें, मुकेश भाई और शुभम गुरु जी का स्वागत करें। और मैं अब माइक आदरणीय भैया को देता हूँ, धन्यवाद। तो चलिए, आप और पंडित जी के बीच में ज्यादा देर ना रहकर सीधे सीधे हम लोग विषय पर आते हैं। आज अपना विषय है एक शाम पिता के नाम। मां के गर्भ में 9 महीने बच्चा रहता है। ये 9 महीने पिता क्या करता है? पिता अपनी 9 भूमिकाओं को निभाता है। 9 महीने की 9 भूमिकाएं पिता की होती है। आज पंडित विजय शंकर मेहता जी की पीयूष वाणी से उनके सुचिंतित विचार हम सब लोग सुनेंगे
आज ये नौ बातें क्या है पिता के जीवन में, ये नौ महीने क्या है, नौ मास का क्या विषय है, इसकी भूमिका को पंडित जी बताएंगे, जिसमें परवरिश, पढ़ाई, परंपरा, परिणय, पूजा, प्रसय, पुस्तक, पगड़ी और परामर्श, ये नौ बातों के ऊपर हमारे अध्यात्म जीवन से भ्रूण से लेकर बच्चा उत्पन्न तक जो बातें होती है ये पंडित जी हम सब लोगों के सामने रखेंगे। हम उनको सुनेंगे भी और समझेंगे भी, कैसे माता की ममता और पिता की कृपा हमें पूर्ण मनुष्य बनाती है। जीवन में पिता का संकल्प, पिता का संबल और पिता की शक्ति, ये ऐसे लूज हो रहा है। इन सब को समझने के लिए शब्द रूपी पुष्प के शब्द पंडित विजय शंकर मेहता जी हमारे बीच में हमको रखेंगे। और पंडित जी का विशेष परिचय हम सब लोगों को पता है कि पूरे देश और दुनिया में 75 से ज्यादा विषयों पर पंडित जी बोलते हैं, और उसके साथ ही साथ एक अद्भुत कार्यक्रम पूरे देश और दुनिया में होता है जो रायपुर से प्रारंभ हुआ, एक साम हनुमान के नाम, 125 करोड़ लोग पूरे देश और दुनिया में एक साथ करते हैं। वही कार्यक्रम अपने भिलाई से 31 दिसंबर को भी होता है। ऐसे पूरे देश भर में 8 जगह से ये एक साम हनुमान के नाम यानी 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और कल भी आप इसको लाइव में देख सकते हैं। जैसे आज अभी कार्यक्रम देख रहे हैं, कल इस कार्यक्रम को संस्कार टीवी पर 7 बजे से 8 बजे तक आप इसको देख सकते हैं। तो मैं ये मंच, ये माइक और आप सबको पंडित जी के पूज्य चरणों में अर्पित करता हूँ, और उनके पीयूष वाणी से हम सब लोग एक साम पिता के नाम, पिता कैसा हो इसके बारे में सुनेंगे और समझेंगे। परम पूज्य पंडित विजय शंकर मेहता जी। ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधारा कथा कहूं मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग देवलोकवासी इंदल सिंह जी यादव जी की पावन स्मृति में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिस पर बहुत कम बोला और सुना जाता है। एक शाम पिता के नाम सुदामा ने आपस में की थी, तो मैं तो बहुत जगह कथाएं करता हूं तो मुझे कई भाई साहब लोग प्रश्न पूछते हैं, कई बार तो बहन जी लोग भी पूछते हैं कि माता के ऊपर बहुत बोला जाता है, माँ होती ऐसी, तो मुझसे लोग कहते हैं पिताजी के ऊपर बहुत कम बोलते हैं लोग, और पिताजी को क्यों याद नहीं करते। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं है, तो हमने एक व्याख्यान ही तैयार कर लिया
और बस उसी व्याख्यान में अब अपन चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम अपने पिता से जुड़ते हैं तो हमें जीवन की व्यवहारिक स्थितियों का ज्ञान मिलता है। सांसारिक गतिविधियों से हम परिचित होते हैं और माँ हमें जीवन से, परिवार से जोड़ती है, और दोनों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी पितृ परंपरा से जुड़िए तो कुछ ऐसा है संसार में जो विशिष्ट लोगों को मिलता है, वरना आप भी भेड़ चाल का हिस्सा हो जाएंगे। तो आज का ये कार्यक्रम इसीलिए है कि यहाँ से आप कोई सूत्र लेकर जाएं। हम पूरी पितृ सत्ता को याद कर रहे हैं संसार भर की, किसी एक पिता के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। स्मृति तो उनके सुपुत्र धर्मेंद्र जी, देवेंद्र जी ने अपने पितृ स्मृति में आयोजन किया है, लेकिन समूची पितृ सत्ता को प्रणाम कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। भेड़ चाल से बचिएगा। एक छोटी सी घटना, फिर चलते हैं। एक क्लास में मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, गणित का विषय था, तो मास्टर जी ने सवाल पूछा जो बच्चे सामने बैठे थे कि बाड़े के अंदर 20 भेड़ हैं, अगर उसमें से 10 भेड़ बाहर कूद जाए तो कितनी बची। अब सीधा सा उत्तर था कि भाई 20 भेड़ हैं, 10 कूद गई तो 10 बची। तो बच्चों ने कहा कि 10 बची, लेकिन एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा मेरा उत्तर। तो मास्टर जी ने कहा बताओ, तो उसने कहा एक भी नहीं बची। मास्टर जी ने कहा तुम मूर्ख हो, तुमको गणित नहीं आता। अरे 20 भेड़ में से 10 कूद गई तो 10 बचेंगी। उस लड़के ने कहा देखो मास्टर जी, आपका गणित क्या कहता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं एक गडरिये का लड़का हूँ तो मैं भेड़ों का मनोविज्ञान जानता हूँ, यदि 10 कूद गई तो बाकी 10 भी पक्का कूदेंगी। तुम्हारा गणित कुछ भी कहता हो, पर भेड़ का गणित ये है कि हमें तो भेड़ चाल में चलना है, ये हमारे ऊपर लागू हो जाता है। हम में से अधिकांश लोग अपनी मौलिकता खोकर भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। बेईमानों को बेईमानी करते देखकर हम बेईमान होने की इच्छा रखते हैं, ईमानदारों को संघर्ष करता देखकर हम सोचते हैं बेकार है ईमानदारी। आपकी अपनी मौलिकता, जो आपके पिता ने, जो आपकी माँ ने आपके जन्म के समय आपके भीतर डाली, कितने लोग हैं जो उसको बचा पाते हैं। ये कार्यक्रम आज उसी को समर्पित है। तो चलिए अब थोड़ा विचार ये करते हैं कि माँ के गर्भ में 9 माह वो शिशु करता क्या है, और उस समय उसका पिता उसके साथ कैसे चलता है। अगर बाहर का दृश्य देखें तो पिता ने एक बार अपनी भूमिका निभाई और वो हट गया, उसके बाद माँ ने संभाला, तो क्या पिता इतना ही होता है। 9 माह उस शिशु ने गर्भ में जो भी गतिविधि करी, हर गतिविधि में पिता साथ में चला है। थोड़ा दार्शनिक बात है पर ध्यान से सुन के चलिएगा। जब पहला महीना होता है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, और उसी में उस भ्रूण का, उस शिशु को भ्रूण कहते हैं, उसका सिर बन जाता है। यहीं से परवरिश आरंभ होती है, यहीं से उस बच्चे के भीतर का पिता रूप ले लेता है। और मैं आपको 9 महीने में 9 पिता और 9 पुत्रों की बात सुनाऊंगा। अब बताइए, बात इतनी लंबी करना है और समय हमारे पास कम है, और उसके बाद समय इसलिए भी कम है कि मैं रात रुकता तो फिर भी बोल लेता आराम से, मुझे तुरंत भाग के अभी ट्रेन पकड़ना है, और नहीं भी पकड़ना होता तो मैं इस बात के लिए बदनाम हूं कि कार्यक्रम शुरू करना आपके हाथ में, ख़त्म हम अपने टाइम पे करते हैं। तो हमारा समय 9 बजे का है, आप मेरे साथ जल्दी जल्दी चलिएगा, ज़रा सा भी इधर उधर मत होना। आप अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी दार्शनिक अवस्था से गुजरने वाले हैं, तो इसको बहुत गंभीरता से लेना।
तो हम पहले महीने जब गर्भाधान होता है, सिर बनता है, दूसरे में बच्चे के हाथ पैर बनते हैं, तीसरे में नाखून बन जाते हैं और वहीं स्त्री पुरुष के लक्षण निकलते हैं। यहाँ हम द्रुपद और द्रौपदी की बात करेंगे। पहले दशरथ राम को याद करेंगे, फिर शिव हनुमान को याद करेंगे। चौथे महीने में सात धातु बन जाती है हमारे शरीर में, सात धातु हैं, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और चौथे महीने हम राजा जनक और उनकी पुत्री सीता को याद करेंगे, पिता कैसा होता है। पांचवें महीने में बच्चे में भूख प्यास जाग जाती है, नंद और कृष्ण को याद करेंगे। छठवें महीने में माँ के मलमूत्र में जो कीड़े हैं वो उसको काटते हैं और भागवत के अनुसार छठे महीने में भ्रूण में आत्मा आ जाती है। आत्मा का प्रवेश छठे महीने में माना गया है। और यहीं हम बात करेंगे शांतनु और भीष्म की। सातवें महीने में वो जो भ्रूण है जिसमें आत्मा आ जाती है वो याचना करता है परमात्मा से, मुझे बाहर निकालिए, मैं मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हूं, मुझे बाहर निकालिए। वो बेचैन होता है। और आठवें महीने में प्रसव वायु से उसकी बेचैनी बढ़ती चली जाती है। हम बाली और अंगत की बात करेंगे। और नवे महीने में उसका जन्म हो जाता है। इस सब में एक पिता साथ में चल रहा है। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले महीने में जब गर्भाधान हुआ वहीं से पिता की परवरिश आरंभ हो जाती है। तीसरे माह में ऐसा कहते हैं कि उस बच्चे के नाखून बन जाते हैं, रोमावली बन जाते हैं और वो स्त्री है या पुरुष तीसरे माह में पता लग जाता है। देखो माँ एक मूल्य है, वैल्यू, और पिता एक परंपरा है, ट्रेडिशन। अब थोड़ा विचार करिए कि पिता अपनी संतान में कैसे चलता है। केवल एक क्षण की घटना नहीं है देह की मिलन की, पिता सतत उस बच्चे में अपने वीर के माध्यम से, माँ के रज के मिलन के माध्यम से यात्रा करता है। अब मैं आपको एक पिता का नाम बताता हूं। उसका नाम था द्रुपद और उसकी बेटी का नाम था द्रौपदी। द्रुपद के बारे में आपने सुना होगा कि द्रुपद और द्रोणाचार्य का झगड़ा था। पहले दोनों दोस्त थे, द्रुपद राजा थे, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, दोनों शस्त्र एक साथ सीखते और इतनी पक्की दोस्ती थी कि द्रुपद द्रोणाचार्य से कहते, जब मैं राजा बनूंगा, अभी तो मैं राजकुमार हूं, तो तुम मेरे पास आना। जो लोग राजा बनते हैं वो पहले बहुत अच्छी बात करते हैं, राजा बनने के बाद भूल जाते हैं। फिर कई लोग ऐसे होते हैं, बस वो राजा बने, द्रोणाचार्य उनके राज में पहुंचे और कहा, मित्र तुम और मैं एक साथ पढ़े हैं, मैं तुम्हारा मित्र था। सत्ता का सिंहासन यहां असर करता है, खोपड़ी में नाचता है, अहंकार आ गया, द्रुपद भूल गए। और द्रुपद ने तुरंत कह दिया, निकालो इसको बाहर, कौन आ गया ये, मैं तो कई लोगों के साथ पढ़ाऊं। और बाहर निकाल दिया गया। द्रोणाचार्य ने उसी दिन संकल्प लिया कि इसे बताऊंगा द्रुपद को कि एक ब्राह्मण की ताकत क्या होती है। और द्रोणाचार्य ने संकल्प ले लिया, ऐसे शिष्य तैयार करूंगा, और कौरव पांडव के गुरु बन गए। कौरव पांडव को जब सिखाया और शिक्षा का अंतिम दौर चल रहा था तो कौरव पांडव ने उनसे कहा कि महाराज हमारी शिक्षा पूरी हुई, आप बताइए हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। अब आप देखो द्रुपद ने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा। द्रुपद ने गुरु दक्षिणा में कहा, अगर देना ही चाहते हो तो आप हमें द्रुपद को बंदी बनाकर लाके दो। तो ये काम अर्जुन ने किया। अर्जुन गया और द्रुपद को बंदी बनाकर लाया। और जब द्रुपद को बंदी बनाकर लाया तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि तुमने एक दिन मेरा अपमान किया था, तो देखो आज मैं तुम्हें यहां ले आया। द्रुपद ने वो अपमान तो सह लिया
लेकिन विचार किया कि एक दिन मैं द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लूंगा, और उसका माध्यम बनाया अपनी पुत्री को, द्रौपदी को। और द्रौपदी जब पैदा हुई थी तो यज्ञ से पैदा हुई थी, याज्ञसेनी नाम था उसका, लेकिन पिता ने एक ऐसी पुत्री तैयार की जिसके माध्यम से अपनी अधूरी इच्छा, अधूरे संकल्प को पूरा किया। ध्यान रखिए, हम माता पिता के रूप में वो गलती न कर जाएं जो द्रुपद ने की थी। कई बार माता पिता अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी संतानें हैं, आप इनको खिलौना मत समझना, आप इनको शस्त्र मत समझना, ये आपकी संतानें हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। भैया जो लोग यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, बेटा मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अब है ना, जो भी आए आपके अतिथि उनको पीछे बैठाना। मैंने आपसे फिर कहा, टाइम बहुत कम है, परिवार का कार्यक्रम है, आप ही के परिवार के सदस्य लोग आएंगे। हर बार अगर कुर्सी लगाओगे, और बहन जी आप भी मत खड़े रहिए, भावना बहन जी हर बार सबका स्वागत कर रहे हैं, अरे आपने कोई पीले चावल दिए हैं क्या जो, और बैठो चुपचाप कथा सुनो हमारी, अब कोई नहीं हिलेगा। और आप भी टेंशन मत लेना धर्मेंद्र जी, आप तो इधर उधर देखो ही मत, मुझको ही देखो। हाँ, आज का कोटा मेरे नाम कर दो। आपने सुबह 8 बजे से मुझे देखना शुरू किया है, रात 9 बजे तक मुझे ही देखो। अब आप पीछे क्या हो रहा है मत देखो, मैं निपटाऊंगा पीछे का काम, आपको कुछ नहीं, मैं बोलूंगा तो जो लेट आया है वो पीछे बैठेगा, बस। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। आप कोई धर्मेंद्र यादव जी और देवेंद्र यादव जी और उनके परिवार के कार्यक्रम में तब आए थे जब कार्यक्रम शुरू होने वाला था, आप तब तक अतिथि हैं, उसके बाद आप मुझे सुनने आए हैं। आप कोई अतिथि नहीं, आप श्रोता हैं, और मैं भी आपको मेरी बात नहीं सुना रहा, भगवान की कथा सुना रहा हूं। तो जिसको भगवान की कथा सुनना हो, पहली बात समय पे आना, और दूसरी बात शांति से सुनना। जरा एक बार ताली बजाइएगा फिर। हाँ, अब शांति से सुनो, और जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, और यादव परिवार का तो एक भी व्यक्ति बैठाने के लिए मत खड़े होना, शांति से मेरी कथा सुनो। ये बिल्कुल कार्यकर्ता नहीं हो आप, इस समय श्रोता हो आप, अतिथि नहीं हो आप, भक्त हो, भगवान प्रवाहित हो रहा है हमारे भीतर। हमें देखिए, जो गलती द्रुपद ने की वो हम न करें। अपनी संतानों का अपनी इच्छाओं के लिए दुरुपयोग मत करिएगा। आपके जीवन में आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप अपनी संतान को खिलौना ना बना दें। आज कई माता पिता बच्चे पे पूरा ध्यान नहीं देते, बच्चे हाइपर एनर्जेटिक होते, माता पिता को अपना काम करना है तो वो बच्चे को रिमोट पकड़ा देते, जा टीवी देख, टीवी देख। क्यों टीवी क्यों देखे, तुम बात करो उससे, उसके साथ हनुमान चालीसा गाओ, लेकिन नहीं करते। और बच्चे बहुत सियाणे होते हैं, अपने से ज्यादा समझदार है जो नई औलादे आ रही है, पता नहीं भगवान ने किस फर्मे में बनाई है, ऐसी टपक रही है सब, एक से एक इंटेलिजेंट कि तुमको लगता है बच्चा है, वो इतना चालू हो गया कि उसको मालूम पड़ गया कि इनको यदि कोई काम करना है तो अपन उपद्रव करो तो अपने को रिमोट दे देंगे, फिर अपन टीवी देखो, तुम तुम्हारी जानो, उनको सब मालूम है। आपने टीवी का रिमोट नहीं दिया, उसने ले लिया, और आपने सोचा हमने अकलमंदी दिखाई। ध्यान रखना, माता पिता अपने जीवन के लिए अपने बच्चों का उपयोग न करें, जो गलती द्रुपद ने की वो हम न करें। आइए उस भ्रूण की चौथी अवस्था में चलते हैं। हमारे शरीर में 7 धातु हैं, वो 4th महीने बन जाती हैं, और यहीं से माता पिता को अपनी संतान के लिए योग्य वर का चयन करना है। अगर पुत्र है तो आपको पुत्र वधू लाना है, अगर पुत्री है तो आपको उसको किसी के घर बेच के अपने यहां दामाद लाना है। समझदार पिता बहू लाकर उसको पुत्री बना लेता है, और भावुक पिता पुत्री को विदा करके अपने कर्तव्य से मुक्ति पाता है। ये बात आप जानते हैं, इसीलिए समझदार माता पिता बहू लाने में और बेटी विदा करने में बड़ा संतुलन रखते हैं। हालांकि ये दोनों काम में से कठिन काम कौन सा है, बेटी विदा करना बिल्कुल कठिन नहीं है। ओह, अब क्या है, बड़ी करी और ले जा बेटा दूसरे को दे दी, 17-18 साल आपने तैयार किया उसको,
और आपको उसकी सारी कमजोरी मालूम है अपनी बेटी की, पर जब रिश्ता करते हो तो बताते हो क्या कमजोरी? हाँ, रिश्ता करते समय तो क्या बताते हैं, ऐसी सुशील, ऐसी विनम्र, 22 साल की हो गई, गुस्सा तो कभी हमने देखा ही नहीं, कितनी तारीफ करते हैं ना, सामने वाला भी चक्कर खा जाता है, ले जाओ बेटा, और वो भी ले जाता है, जब ओरिजिनल आइटम बाहर आते तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, बेटे के साथ भी ऐसा ही करते हैं लोग, जब बेटे का रिश्ता आता है तो माता पिता कितने अच्छे से उसकी तारीफ करते हैं, ऐसा विनम्र, माता पिता का तो ऐसा कहना मानता, बिना पूछे कोई काम ही नहीं करता, भली ढेला नहीं सुन रहा वो माँ बाप की, अंधेरे के पहले तो घर आ जाता है, इतनी तारीफ करी है आपने, ले जा। कोई भी सही बात बता के रिश्ता नहीं करता, अगर सही बात बता दो लड़के लड़की की तो बेटा आधे से ज्यादा कुंवारे मर जाए, ये जितने हुए हैं सब गलतफहमी में ही हुए रिश्ते ये। हाँ, बजाइए बजाइए ताली, डर क्यों रहे, आधे तो यही डर रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही ताली बजा रहे थे, घर पे हिसाब देना पड़ जाएगा। लेकिन याद रखिए जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए जो स्वयंवर किया था, आपने कथा सुनी होगी सारी, मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन एक पिता अपनी पुत्री में कहां तक चलता है, जनक के जैसा विद्वान नहीं है। और तो और, सुखदेव जिन्होंने भागवत कही है उनको भी जब ज्ञान प्राप्त करना था तो उनके पिता व्यास जी ने सुखदेव को कहां भेजा था, जनक के पास। तो सुखदेव ने पूछा था, आप तो राजन हैं, मेरे पिता ने वैराग्य की शिक्षा लेने के लिए आपके पास क्यों भेजा, राजा वैराग्य कैसे हो सकता है? तब जनक ने कहा था, वैराग का अर्थ छोड़ना नहीं होता, वैराग का अर्थ सही ढंग से पकड़ना होता है। सत्ता पे बैठ के भी वैराग जगाया जा सकता है, और जंगल में जाके गुफा में बैठ के भी सत्ता नहीं छूटती, वैराग नहीं आता है। वैराग एक एक जीवन शैली है। जनक इतने बड़े वैरागी थे, देखो आप, एक पिता का वैराग बेटी में कैसा उतरा कि जिस दिन राम ने फैसला किया कि सीता, माता पिता की आज्ञा हुई है कि मुझे 14 वर्ष वनवास जाना है और मैं जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलोगी? सीता जी तो अड़ गई थी कि वनवास जा रहे हैं तो मैं चलूंगी, तो राम ने कहा था, तुम जानती हो ये महल के सुख नहीं मिलेंगे, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो सीता ने कहा कि आपके बिना ये सुख बेकार है। कौशल्या जी ने तो और रोका सीता जी को। आपको एक घटना याद होगी कि जब राम जी अपनी माँ कौशल्या से अनुमति लेने गए कि मैं वन जा रहा हूँ, ऐसा निर्णय हुआ, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, पर जो अपने काम का दृश्य उसको सुनना। तो कौशल्या जी ने राम से कहा कि जाओ, तुम मेरा आशीर्वाद है, 100 अवध बराबर एक जंगल है। उसी समय सीता जी आ गई। सीता जी राम जी के साथ जाना चाहती थी, तो कौशल्या जी ने सीता जी से कहा कि सीता, राम तो जा रहा है, तुम रुक जाओ, तुम मेरी सेवा करना, हम बूढ़े बहुत अकेले हो जाएंगे, तुम रुक जाओ। अब देखो मुसीबत आई, सीता जी जाना चाहती, सासू जी भेजना नहीं चाहती, और जो बेटा था वो परेशान खड़ा कि अब किसकी मानूं, ये ट्राइंगल है, इसको त्रिकोण कहते हैं, ये हर घर में होता है, सास बहू और बेटा, ये त्रिकोण कई घरों में, कई घर तोड़ दिया इस त्रिकोण ने, और त्रिकोण ने कई घर बचा दिए। अब बेटे के रूप में राम सोच रहे हैं किसकी मानूं, अगर पत्नी की मान लूं और वो कह रही कि मैं तो चलूंगी, और मेरी मां कह रही कि मत जा,
अगर पत्नी की मान लू तो माँ कहेगी वाह रे बेटा, हमने 22 साल तेरे को तैयार किया, ये आई तू निकल लिया, बेकार ही हो गया। कई माताओं को आज भी यही टेंशन है, इसीलिए लोग बहू लाने में बहुत डरते हैं। लोग कहते हैं बहू लाना सबसे कठिन काम। हम तो किसी घर जाते हैं तो हमसे बोलते हैं पंडित जी आप तो बस ऐसा आशीर्वाद दो कि अच्छी बहू आ जाए। क्यों बहू क्या खराब आती क्या, बहू अच्छी क्यों आ जाए? बोलते बस बहू से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या करेगी आके। हाँ वो ही करेगी जो तुमने अपनी बेटी विदा करी होगी, वैसे ही दूसरा टिका देगा तुमको। जो माल तुमने सप्लाई किया वो दूसरा कर रहा है, उसमें डरने की क्या बात है भाई, लाओ दूसरे का माल। लेकिन लोग जानते हो अपना माल तो निकाल दिया अपन ने, दूसरे का बढ़िया आया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। बस तो ट्रायंगल देखना, सास कह रही है रुक जा, बहू कह रही जाना चाहती हूं, पति को लग रहा है, पुत्र को लग रहा है अब मैं क्या करूं। यदि पत्नी की बात मान लूं तो मां कहेगी कि लो बेटा गए हाथ से, और मां की बात मान लूं तो पत्नी कहेगी अभी तो मम्मी की गोदी से ही नहीं उतरे, इनको अभी भी यही दिखता रहता है, फिर हमें क्यों लाए। ऐसा झगड़ा कई घरों में हो जाता है, आपके यहाँ नहीं होता होगा, आप तो सब बहुत बढ़िया ही दिख रहे हैं, आपके तो चेहरे से ही लग रहा है कि चकाचक मामला है, लेकिन कई घरों में ऐसे पंगे हैं, आपको बता रहा हूं मैं। आप राम जी के साथ हुआ, तब राम जी सोचने लगे क्या होगा, लेकिन कमाल तो कौशल्या जी ने किया। उन्होंने कहा सीता इच्छा तो यह है कि तू यहां रुक। तब सीता ने जो तर्क दिया वो सुनिए, जनक की बेटी, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिता के संस्कार कितनी दूर तक चलते हैं। जनक की बेटी थी, वैराग्य का अर्थ समझती थी, तो हाथ जोड़ के अपनी सासू सी से कहती है आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन मैंने शास्त्रों में पढ़ा है पी वियोग सम दुख जग नाही। मां मैंने सुना है कि सुहागन स्त्री को अपने पति के वियोग से बड़ा दुख इस संसार में कोई होता नहीं है, तो अगर मेरे पति चले जाएं तो मैं कभी सुखी नहीं रहूंगी। इतना सा इशारा किया सीता ने और कौशल्या समझ गई कि ये जाना चाहती है, तो तुरंत कहा फिर मेरा आशीर्वाद है। बस इस समझ से घर बचते हैं, वो समझ जानकी लेके आई थी। और जब वन में मिले थे जनकराज, आप सोचिए जनक ने अपनी बेटी किसको दी थी, दशरथ के पुत्र राम को। क्या सोच के दी थी कि मेरी बेटी राज करेगी। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, शाम को जब जलपान करने जाते तो इंद्र सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता। उस दशरथ की बेटी दी थी, सपना देखा था मेरी बेटी राज रानी बनेगी, और जब उन्हें पता लगा 14 साल के लिए मेरे दामाद को वनवास मिला और मेरी पुत्री साथ में गई, तो जब चित्रकूट में राम वनवास की अवधि बिता रहे थे तो जनक पूरी सेना लेकर आए, सुनैना जी साथ में आई, और जनक राज ने अपनी बेटी को देखा तो अंदर तक रूह कांप गई। अपनी पुत्री को उसके ससुराल में जब आप पीड़ित देखते हैं, जो सोचा आपने वैसा न घटे ऐसा देखते हैं, तो वो माँ बाप ही जानते हैं। जनक ने अपनी बेटी को देखा, एक बार तो जनक ने सोचा ये क्या है, मैंने कैसे विदा किया था, आज ये जंगल में है, मेरा दामाद एक वस्त्र में है, फल फूल खा रहे हैं, मेरे दामाद जो राजमहल से जब निकलता था तो दान लेने वालों की पंक्ति होती थी, इस हाथ से जवाहरात लुटाता था, इस हाथ से संपत्ति लुटाता, आज इसके पास एक कौड़ी नहीं है, क्या बीती होगी। और जनक अपनी पुत्री के पास जाते हैं, सीते ये क्या हो गया। सुनैना जी अपनी बेटी के सिर पे हाथ रख के कहती हैं सीते तू ठीक तो है, और कोई पुत्री हो तो फूट पड़े, कैसा है मेरा ससुराल, ऐसा हुआ, ऐसा किया मेरी सास ने। लेकिन वो सीता थी, जनक की बेटी। जब मां ने पूछा सीता तू ठीक है, तो सीता ने क्या बोला, मां
आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बिगड़ गया, मैं ठीक हूं? क्या उत्तर था? तो जनक ने पूछा, नहीं बेटा, हम ये पूछ रहे हैं कि वनवास में ठीक है? तो उसने कहा, मुझे वनवास से कोई लेना देना नहीं है, मेरे जीवन में तो तब तक सब ठीक है जब तक राम मेरे साथ हैं और मैं राम के साथ हूं, बस बात खत्म हो गई। बाकी हम महल में हैं, हम जंगल में हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन साथी हमारे साथ है, हमारी समझ, हमारा प्रेम बना हुआ है। ये शिक्षा जनक ने दी थी, इसको वैराग्य कहते हैं, इसको अभाव का आनंद कहते हैं। कल सब कुछ था तो भी मौज है, आज कुछ नहीं है तो भी परेशानी नहीं है। अपने यहाँ तो जरा सब कुछ है तो सब मिल के रहते हैं, और जरा सा कुछ कम हो जाए आपस में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। तो पिता जनक अपनी पुत्री जानकी में यहाँ तक उतरे थे कि जब जानकी ने कहा कि पिताजी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और आप भी कोई ऐसी बात न करना कि अब जब आप राम जी से मिलेंगे, जब आप आगे जाके मेरी सासू कौशल्या जी से मिलेंगे, सब लोग आए हुए हैं, आप कोई ऐसी बात न करना कि कौशल्या जी को तकलीफ पहुंच जाए। तब जनक के मुंह से एक पंक्ति निकली, पुत्री पवित्र किए कुल दो। क्या बढ़िया बात बोली, पुत्री पवित्र किए कुल दो। जनक जी कहते हैं, जानकी मैं धन्य हो गया कि तू मेरी पुत्री है, तूने एक कुल नहीं दो कुल धन्य कर दिए। और बेटा एक ही कुल धन्य करता है, बेटी दो कुल धन्य करती है, जिससे जाती है उसको भी धन्यता देती है, जिस कुल में जाती है उसको भी धन्यता देती है। जनक ऐसे चले अपनी बेटी के साथ। इसलिए याद रखिएगा, अगर आप पिता हैं तो आपको अपनी पुत्री के साथ इतनी लंबी यात्रा करना है, और यदि आप पुत्री हैं तो अपने पिता का श्रेष्ठ लेके जाना जब भी आपका विवाह हो और जिस परिवार में जाएं। ये अनुभूति केवल स्त्री को होती है, पुरुष को नहीं होती, ध्यान देना आप। आइए, हमारे पास समय कम है, अब हम सीधे सातवें महीने में जब उस भ्रूण को अनुभव होने लगता है, वो आत्मा आ गई, तो वो परमात्मा से बार बार कहता है, मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर निकालिए। और यहाँ हम एक जमदग्नि और परशुराम नाम के बाप बेटे की बात करते हैं। आपको मालूम होगा परशुराम जी के बारे में तो आप सुनते ही हैं, बहुत क्रोधी थे, उनके पिता थे जमदग्नि, उनकी माँ का नाम था रेणुका। अब जरा सुनना आप, ये तो इतिहास में अद्भुत घटना है, ऐसी तो कभी हुई नहीं होगी। रेणुका जी से एक बार जीवन में एक गलती हो गई, अभी हम कथा के विस्तार में नहीं जाएंगे, उसी दृश्य में चलते हैं जो हमारे काम का है। तो जमदग्नि को बहुत गुस्सा आई, तो उन्होंने कहा, रेणुका तुमको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। तो रेणुका ने कहा, आप जो दंड देना चाहें दे दीजिए। तो जमदग्नि ने अपने चारों बेटों से कहा कि तुम्हारी माँ को मार डालो। सबने मना कर दिया कि पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार्य पर, माँ को नहीं मारेंगे। अब सबसे छोटे परशुराम आए। जमदग्नि ने कहा, राम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? अपने पिता के प्रति अंधश्रद्धा थी, बोले पिताजी आज्ञा दीजिए, क्या करना, करोगे कि नहीं करोगे? बोले पिताजी प्रतिज्ञा लेने की बात ही नहीं, आप आज्ञा तो दीजिए। तो उन्होंने कहा, मेरी आज्ञा यह है कि तुम्हारी माँ का मस्तक उतार दो। परशुराम ने एक क्षण सोचा कि ये कौन सी आज्ञा दे दी, बस उठाया फरसा और माँ का मस्तक उतार दिया। इतिहास में ऐसा प्रसंग नहीं मिलता, मातृहंता हो गए परशुराम, माँ मर गई, पिता ने चारों बेटों को शाप दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो जड़वत हो जाओ। उन्होंने परशुराम को देखा और कहा, परशुराम तूने मेरी आज्ञा मानी है, दुर्लभ आज्ञा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुझसे, अब तू मांग क्या मांगता है? तो उस परशुराम ने कहा, पिताजी अगर आप देना ही चाहते हैं तो तीन बातें दीजिए। पहली, मेरी माँ को जीवित कर दीजिए, आपको विद्या आती है। दूसरा, मेरी माँ जीवित हो जाए तो उसको ये ज्ञात और याद नहीं रहे कि मैंने उसका वध किया। और तीसरी बात, मेरे भाइयों को जड़ से वापस चेतन कर दीजिए, इनको जीवित कर दीजिए। तब जमदग्नि ने कहा, मैं जानता था परशुराम तू यही मांगेगा, इसीलिए मैंने तुझसे अपनी आज्ञा का पालन कराया। अब देखिए पिता और पुत्र के संबंध कैसे हो जाते हैं, कितनी गहराई तक
अब इसका ये मतलब नहीं कि आप सब माँ पे टूट पड़ना पिताजी, नहीं तो सारे ही पिताजी समझे कि ये बढ़िया है, परशुराम पैदा करो और निपटाओ घरवाली को, ये मत करना। ये तो कहानी खत्म हो गई, नहीं तो सभी शुरू हो जाएं परशुराम ढूंढने में। ऐसा नहीं करना, उसके पीछे का उद्देश्य समझना, उसके पीछे कहा क्या जा रहा है, क्यों परशुराम ने ऐसा किया, इस पर बहुत विस्तार है। पर मैं रिश्ते के गहराई में जाने का आग्रह कर रहा हूँ कि जब आप आत्मा पे जीते हैं तो मतलब बदल जाते हैं। और अब जब आठवां महीना आता है तो माँ के प्रसव की वायु उसको धक्का देती है और वो बच्चा कहता है बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। अब उसके जीवन में नई जिम्मेदारी आने लगती है। आप एक पिता और पुत्र की बात सुनिए, इसी प्रसंग में आएगी। पिता का नाम था बाली, बेटे का नाम था अंगद। बाली को श्रीराम ने मारा। मरते मरते बाली ने श्रीराम से पूछा कि भाई मेरी और आपकी क्या दुश्मनी, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोई मारा, आपने मुझको क्यों मारा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा। राम जी को जो उत्तर देना था वो तो दे दिया, लेकिन बाली ने मरते मरते एक काम बड़ा कमाल का किया। जब राम ने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्राण दान दे सकता हूं, तो बाली ने कहा आप भी कमाल कर रहे हैं महाराज, साधु संत बड़े बड़े महात्मा तपस्वी जीवन भर आपका नाम लेते हैं और जब मृत्यु आती है तो अंतिम सांस पे आपका नाम नहीं ले पाते, मुझे तो आप साक्षात खड़े मिल गए, तो मैं मूर्ख हूं क्या कि आपकी उपस्थिति में भी आपके धाम जाऊं और मना कर दूं, आप तो मुझे जाने दीजिए। लेकिन एक छोटा सा निवेदन है। तो राम जी ने कहा बोलो क्या बात है। तब बाली ने अपने बेटे अंगद को देखा, यह तनय मम सम बिलय भरत प्रल्यान प्रद प्रभु लीजिए, गहीं बाह सुर नर नाह आपस दास अंगद कीजिए। इस पंक्ति का अर्थ समझे, अपने बेटे अंगद को बुलाया, इधर आओ अंगद, उसको पकड़ा और राम जी से कहा कि मैं तो जा रहा हूं पर मेरा बेटा आज से आपका दास बन गया, आप इसको दास बना लीजिए। अब देखो पिता अपने बेटे को भगवान को सौंपे कोई बात नहीं, समय रहते हर माता पिता को अपने बच्चों को भगवान को सौंपना चाहिए। ये बात मेरी जरा गंभीरता से लेना आप। आज अधिकांश माता पिता ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे जिद्दी हो गए, बच्चे चीजें फेंकते हैं, पंडित जी आप कुछ करो, ऐसा हमसे बोलते, हमको अपने घर बुलाते हैं, लोग कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं भाई ठीक है हम आपके घर क्यों आए, बोले 10 मिनट के लिए आ जाओ, क्यों आए, नहीं आपके चरण पड़ जाएंगे तो धन्य हो जाएंगे। अब मेरे चरण पड़ने से कोई तुम्हारा घर धन्य हो रहा है, कमाल करते हो आप भी। अच्छा कई तो कहते हैं बच्चे के सिर पे हाथ फेर दो पंडित जी, हम पूछते हैं उससे क्या होगा, नहीं अकल आ जाएगी। अरे कमाड़ा कबाड़ा तुम करो अकल, हमसे फिरवा रहे हो आप, आपने तो कबाड़ा कर दिया उसका। अच्छा मेरे हाथ फेरने से तुम्हारे बच्चे को अकल आती तो हम हाथ फेरने की फैक्ट्री डाल लेते, कथाएं काय को करते भाई, सुबह से शाम तक इतनी इनकम हो जाती। आप चूक गए, हमसे हाथ फिरवा रहे। कितनी माताएं ऐसी हैं जब रात को उनका बच्चा सोता है तो वो हाथ फेर के हनुमान चालीसा बोल के सुलाती हैं, विचार करना आप। जिस घर के बच्चे हनुमान चालीसा बोल के सो रहे होंगे उनके व्यक्तित्व में हनुमान का चरित्र उतरेगा। लेकिन माँ बाप को ये नहीं मालूम कि बच्चे रात को जब सोते हैं तो ठीक नींद आने के पहले उनका अंतिम विचार क्या होता है। अगर माँ बाप को ज्ञात नहीं है तो आप बच्चों से किस संस्कार की उम्मीद कर रहे हैं, कौन उनको सुधारेगा। हाइपर हैं, उनकी एनर्जेटिक स्टेज को आप अगर डाइवर्ट नहीं करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आपको समय देना चाहिए उसके साथ। चलो बाली ने तो अंगद को राम जी को सौंप दिया, पर कमाल अंगद ने किया। इस प्रसंग में मैं अंगद को प्रणाम करता हूं, जरा विचार करिए। और आज नई पीढ़ी के बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, बाली तो बूढ़ा था, समझदार था, राम को देख के उसको आनंद आ गया तो बच्चा सौंप दिया राम जी को, पर कमाल तो अंगद ने किया। जिस व्यक्ति के हाथों अपने पिता का अभी अभी वध हुआ हो उसी के हाथों में सौंपा जा रहा हो, अंगद कुछ नहीं बोला, चुपचाप राम की सेवा में लग गया। बस यही बात बच्चों को सीखने लायक है। आपके माता पिता में आप जितनी अकल नहीं होगी,
हर नई पीढ़ी गुजरती पीढ़ी से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होती है, आजकल वेल एजुकेटेड होती है, आपसे आपके बच्चे ज़्यादा पढ़े होंगे। हो सकता है माता पिता जितनी अक्ल बच्चे की ना हो के ज़्यादा हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब आपके प्रति आपके माता पिता कोई निर्णय लें तो आप उसमें निर्णय मत, उनकी नीयत देखना। यदि आप निर्णय देखेंगे तो आपको लगेगा हमने दुनिया ज्यादा देखी है, हमें एक्सपोजर ज्यादा है, हमें एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपको कुछ नहीं मालूम है, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमने बड़े बड़े कैंपस अटेंड किए हैं, तो आप अपने माता पिता को छोटा मान सकते हैं और ऐसा होगा भी। लेकिन याद रखना, निर्णय मत देखना, उनकी नीयत देखना। इस दुनिया में भगवान ने जितनी साफ नीयत माता पिता को दी है, दुनिया में किसी को नहीं दी है। आपके माता पिता की नीयत आपके लिए बहुत साफ होती है, उस नीयत का सम्मान करना, निर्णय का सम्मान मत करना। निर्णय का सम्मान, बड़ी साफ नीयत होती है माता पिता की, जब वो कुछ चीज बोल देते हैं एकदम फल जाती, एकदम फल जाती। अभी मुझे एक घटना सुना रहे थे धर्मेंद्र यादव जी, बाद में वही घटना सुनाई मुझको आपके प्रथम नागरिक महापौर जी ने, नीरज जी ने, सेम घटना सुबह उनने सुनाई, शाम को इनने सुनाई। और घटना ये सुनाई कि कुछ साल पहले, डेढ़ साल पहले, वो माता जी पुष्पा देवी जी के पास गए होंगे, जो धर्मेंद्र जी की माता जी हैं, देवेंद्र जी की माता जी, और ये गए तो उन्होंने कहा कि बस अब डेढ़ साल में महापौर के चुनाव होने वाले हैं, तो बड़े भाई को महापौर बनना है। तो नीरज जी समझे कि शायद माता जी बोल रही हैं कि अब धर्मेंद्र जी को बनना है। तो नीरज जी ने कहा धर्मेंद्र जी को बनना है, तो पुष्पा देवी माता जी ने कहा नहीं नहीं तुझे बनना है, तू है बड़ा भाई। और नीरज को आशीर्वाद दिया, तो नीरज कहते हैं इनका आशीर्वाद फला, आज मैं महापौर बन गया। अब आप देखो माता पिता की नीयत कितनी साफ होती है, इस नीयत का सम्मान करना। अब ये घटना मैंने इसलिए नहीं सुनाई कि कल से कई लोग आशीर्वाद लेने पहुंच जाएंगे माता जी के पास कि इनका फलता, तो चलो जिसको महापौर बनना है वो ही पहुंच गया धर्मेंद्र जी पुष्पा माता जी के पास। ऐसा नहीं है, नियत माता पिता की शायद परमात्मा खुद और आके बनाता है। इस प्रसंग से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम अंगद से सीखें कैसे पिता ने कहा और वो बन गए। और आइए, नवे महीने में जब दबाव बनता है तो संतान जन्म ले लेती है। लेकिन याद रखना, आपकी संतान जब इस संसार में आए तो माता पिता होश में रहें। होश में रहने का अर्थ समझना आप, आज भी 90% माता पिता बच्चे को जन्म देते समय होश में नहीं है, जब भ्रूण की स्थापना हुई, और जब जन्म हुआ तब भी होश में नहीं है। जश्न तो मनाया जाता है, जोश से मनाया जाता है, पर होश से नहीं मनाया जाता। और यदि माता पिता होश में नहीं है तो दृश्य जो बनने वाला है वो बनेगा धृतराष्ट्र और दुर्योधन का। मैं अंतिम पिता की बात कर रहा हूं, अंतिम पुत्र की, फिर मेरा समय पूरा हो जाएगा। धृतराष्ट्र एक ऐसा पिता था जो अंधा था, बाहर से भी भीतर से भी। और धृतराष्ट्र हर बार ये बोलता, आप महाभारत के युद्ध की 18 दिन की कथा सुनना, तो उसमें जब कथा सुनाते सुनाते संजय कहता कि पांडव जीत रहे हैं, पांडव जीत रहे हैं, तो कई बार धृतराष्ट्र कहता संजय मैंने दुर्योधन को कई बार बोला तू ऐसा मत कर, आज दुर्योधन ने देखो किस स्थिति में हमको ला दिया। तो संजय ने तो एक बार अपने राजा को फटकार के कहा अब चुप रहिए धृतराष्ट्र जी, ये सब आपके कारण है, जब आपको दुर्योधन को रोकना था तब आपने पट्टियां बांध ली, माने और बाप अंधा था। जिस दिन बच्चे के लालन पालन में माँ मोहांध की पट्टी बांध ले गांधारी की तरह, और बाप भीतर से भी अंधा हो जाए, उस दिन आपके घर में 100 कौरव पैदा होंगे, जो भद्रदेव बच्चे बर्बाद होंगे, ध्यान रखना। इसलिए धृतराष्ट्र मत बन जाना। संतान जब जन्म ले आंखें ज्यादा खुली रखना, बच्चों के लालन पालन में जो माता पिता चौकन्ने रहे उनके बच्चे तो साहूकार बन जाएंगे, और जिन्होंने बच्चों को बचपन से साहूकारों की तरह छूट दी उनके बच्चे बड़े होकर चोर बन जाएंगे। मैंने आपको 9 महीने में
पिता की 9 यात्राएं सुना दी। हर यात्रा का एक ही अर्थ है, आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। और यदि आप संतान हैं तो श्रेष्ठ अपने पिता से माँ से आपने क्या लिया वो आपको लौटाना पड़ेगा। तो देवियों और सज्जनों, मेरा समय पूरा होता है, मैंने तो और समय ले लिया आपका, मुझे 9 बजे तक बोलना था पर मैंने सोचा कि नीरज जी और धर्मेंद्र जी, ये मुझे तो बार बार आना है भिलाई, अब इनसे तो अच्छे ही संबंध रखना है ना, ये कहेंगे पंडित जी कम से कम 1.5 घंटा तो बोलते। लेकिन आगे से अनुरोध करूँगा कि जो समय छपा हो हमें समय पर कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, समय पर कार्यक्रम को पूर्णाहुति करना चाहिए। और आपसे निवेदन करूँगा देवियों और सज्जनों, आइए एक छोटी सी बात कह के अपनी बात पूरी करूँगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संसार में श्रेष्ठ बच्चे लाएं, और हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमें जो श्रेष्ठ माता पिता से मिला है उसको समाज में भी बांटें और माता पिता को भी लौटाएं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है इस सुंदर से कार्यक्रम को, जिसको स्वर्गीय इंदल सिंह यादव जी, आदरणीय माता जी पुष्पा देवी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, विशेष तौर पे हम धर्मेंद्र यादव जी, भावना जी उनकी अर्धांगिनी, देवेंद्र जी जो किसी कारण से उपस्थित नहीं है, डॉक्टर श्रुतिका जी, विक्रम जी, इन सबको मैं स्मरण करता हूँ, नीरज पाल जी, पंकज पाल जी, आप सबको याद करता हूँ। एक सुंदर आयोजन, मैंने अपनी बात रखी, आप चिंतन करिएगा इस पे, और दुनिया बड़ी है, गोल है, फिर कभी हम ऐसे ही किसी मोड़ पे मिलेंगे। मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। संचालन कार्यक्रम की हमारे हनुमान, वैसे तो मन तो भरा नहीं है सुनने का, परंतु समय की सीमा है, गुरुजी को अभी ट्रेन से जाना भी है। मैं धर्मेंद्र जी सपरिवार मंच पर बुला रहा हूँ कि वो ये जो 7 चक्रों की हनुमान प्रतिमा रखी है वो गुरुजी के हाथों से ले लें। सभी लोग और मैं धर्मेंद्र भैया से अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम के आभार का प्रदर्शन करें और प्रसादी का आह्वान करें। मैं आज के कार्यक्रम में पूज्य पंडित जी को प्रणाम करता हूँ और कॉलोनी वासियों को भी सबको प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरे परिवार के कार्यक्रम में यह उपस्थिति दी। और अपने सामने वाला जो हनुमान मंदिर है वहाँ भंडारा भी है, लेकिन अभी कान्हा महाराज भी हमारे हैं, थोड़ी देर कार्यक्रम और चलेगा कान्हा महाराज जी का, क्योंकि वे कुछ भजन सुनाएंगे और मैं पंडित जी को भी जाना है, मैं यहीं हूँ, हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा चाहेंगे। पंडित जी पहली बार आज कार्यक्रम किए, मैं यही चाहता हूँ कि कॉलोनी में हमेशा होता रहे। धन्यवाद, सबको आभार। आप लोग भजन सुनो, दो मिनट बाद मैं पंडित जी को छोड़ देता हूँ। आप लोग